नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोविड के इस दौर में आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अगर आपका अपना कोई कोरोना से पीड़ित है तो खुश जीवन राशिफल उनके मंगल होने की कामना करता है। आज के दिन देवी गौरी की पूजा का विधान बताया गया है। आज की पूजा विधि विधान से करने से देवी गौरी शक्ति प्रदान करती है। देवी गौरी सभी का मंगल करें, इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं 15 मई 2021 वार शनिवार के पंचांग। वार शनिवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह बैसाख माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया तिथि जो कि सुबह 8 बजे तक रहने वाली है, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र जो कि सुबह 8:39 तक रहेगा, इसके स्वामी देव मंगल देव हैं। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जिसके की अधिदेवता रुद्रदेव एवं स्वामी राहु देव हैं। बात करते हैं योग की, तो आज द्वितीय योग रहने वाला है। करण गरकरण जो कि सुबह 8 बजे तक रहेगा, उसके बाद वणिज करण लग जाएगा जो कि रात 9:08 तक रहने वाला है, उसके बाद विष्टिकरण लग जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:43, सूर्यास्त शाम 7:03, सूर्यदेव अपनी राशि वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय 8:01 सुबह, चंद्रास्त रात को 10:22। चंद्र राशि की बात कर रहे हैं तो चंद्रदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 4:06 से और 4:54 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं जो कि अत्यंत शुभ मानी गई है। बात करते हैं अभिजीत की। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:49 तक रहेगा। कोई भी शुभ कार्य अगर हम शुरू करना चाहते हैं और हमें कोई शुभ समय भी नहीं मिल रहा है तो अभिजीत मुहूर्त उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बात करते हैं आज के चौगड़िये की। सबसे पहले काल का चौगड़िया 5:43 से और सुबह 7:23 तक रहेगा जो कि एक अच्छा समय नहीं माना गया। काल के बाद शुभ का चौगड़िया 7:23 से और 9:03 तक रहेगा जो कि एक शुभ समय है। शुभ के बाद रोग का चौगड़िया 9:03 से 10:43 जो कि एक अच्छा समय नहीं माना गया है। रोग के बाद उद्वेग का चौगड़िया 10:43 से 12:23 जो कि एक शुभ समय नहीं है। उद्वेग के बाद चर का चौगड़िया 12:23 से और 2:03 तक जो कि एक सामान्य समय माना गया है। चर के बाद लाभ का चौगड़िया 2:03 से 3:43 तक जो कि एक शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 3:43 से 5:23 यह भी एक अच्छा समय माना गया है। अमृत के बाद काल का चौगड़िया 5:23 से और 7:03 शाम को जो कि एक अशुभ समय माना गया है। बात करते हैं अशुभ समय यानी राहु काल और गोलिक काल की। राहु काल जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। गोलिक काल सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 तक रहने वाला है। राहु काल और गोलिक काल इन दोनों को अत्यंत अशुभ समय माना गया है और किसी भी शुभ कार्य के अंदर इन दोनों समय को शामिल नहीं किया जाता। बात करते हैं दिशाशूल की यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। फिर भी अगर बहुत ही जरूरी है तो आज दिशाशूल का परिहार करके यानी आज आप उड़द का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं चंद्रमल यानी कौन कौन सी राशियां आज शुभ राशियां हैं, या फिर मैं कहूं कि चंद्रमा किन किन राशियों को अपना बल प्रदान कर रहे हैं। तो आज की शुभ राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर, ये सभी आज शुभ राशियां रहेंगी। बात करते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों के नामाक्षर की यानी आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नामाक्षर क्या होंगे। उनके नामाक्षर होंगे की, कु, घ और ड, ये सभी रजत के पाये में जन्म लेने वाले होंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, आप इस वीडियो को कमेंट करें और खुश जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें और जानें डेली पंचांग और डेली राशिफल। धन्यवाद।